तो जैसा कि अभी आप लोग ने एक वीडियो में देखा कि किस तरह से एक चक्रवात तूफान उठता है, ठीक। तो कभी आप लोगों ने ये सोचा कि ये जो चक्रवात तूफान जो है ये आखिर बनता कैसे है और ये क्यों हमेशा समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम लोग यही समझते हैं और समझते हैं लैंडफॉल होता क्या है और साइक्लोन आखिर जो है ये बनता कैसे है। तो साइक्लोन बनने का मुख्य दो कारण होता है। एक तो सबसे पहला होता है जो सूर्य होता है वो, और दूसरा होता है वो हमारा होता है वायु दबाव, मतलब एयर प्रेशर, मतलब जो एयर का प्रेशर होता है वो हमारा मेन होता है, ठीक है। ये दो कारण हमारा मेन है, ठीक है। अब सूर्य का जो किरण होता है वो क्या होती है कि पृथ्वी पर इस तरह से पड़ती है, ठीक है, पृथ्वी पर पड़ती है डायरेक्ट, और जिस जगह पर सूर्य की किरण पड़ती है वो जगह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और सूर्य के रोशनी पड़ने से वो जगह गर्म हो जाती है तो वहाँ आसपास की जो हवाएं हैं वो भी गर्म होने लगती है, और गर्म होकर वो ऊपर की ओर उठने लगती है, क्योंकि गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की ओर चली जाती है, क्योंकि उनका जो वायु दबाव होता है, मतलब जो उनका एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। यानी कि गर्म हवाएं जो है वो हमेशा लो प्रेशर वाली होती है, और जो ठंडी हवाएं होती है और जो ठंडी हवाएं होती है वो हमेशा हाई प्रेशर वाली होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे समुद्र में जो सूर्य की किरण है वो सीधी पड़ती है इस तरह से, ठीक है, और वहाँ का क्षेत्र और उस जगह पे जहाँ पे सूर्य का किरण पड़ता है वहाँ का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण यहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाती है, और ये हवाएं गर्म होकर ऊपर जाने लगती है, मतलब यहाँ के हवाओं में प्रेशर अब लो हो जाता है और लो प्रेशर वाली हवाएं ऊपर चली जाती है। अब इन लो प्रेशर वाली हवाओं की जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर यानी कि जो ठंडी हवाएं होती है, यानी कि जो ठंडी हवाएं होती है वो इसकी जगह ले लेती है, यानी कि लो प्रेशर वाली हवाएं जो है इस जगह पे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आने के साथ ही ये ठंडी हवाएं भी गर्म होकर ऊपर चली जाती है, और ऊपर चली जाने से ये अपने साथ कुछ वाष्प की कणें भी ले जाती है, ठीक है, ये अपने साथ कुछ वाष्प की कणें भी ऊपर की ओर ले जाती है और यहाँ पर बादलों का निर्माण करती है। अब समुद्र में क्या होती है, समुद्र में क्या होता है, ये सूर्य की किरणें लगातार इस पर पड़ती है और ये क्रिया बार बार होते रहता है, मतलब ये जो सूर्य की किरण इस पर पड़ रहा है और इसके साथ जो ये वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है, तो ये बादल बनने की क्रिया बार बार होते रहती है और ये विशाल बादलों का एक रूप धारण कर लेता है। जैसे कि इसको एक इमेज से समझते हैं। अब जैसा कि इस इमेज में देखिए, यहाँ पर एक लो प्रेशर वाली हवाएं हैं और हाई प्रेशर वाली भी हवाएं हैं। अब लो प्रेशर वाली हवाएं क्या हो रही है, ये ऊपर की ओर चली जा रही है, ठीक है, अपने साथ वाष्प के कणों को लेकर, और ऊपर जाके बादलों का निर्माण कर देगी। और यहाँ पे जो हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं ये लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। अब देखिए, लो प्रेशर के कारण जो समुद्र का जो पानी का स्तर होता है वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ वायु का दबाव नहीं है, और जहाँ पर वायु का दबाव ज़्यादा है यहाँ हाई प्रेशर वाले जगह पे, वहाँ पे वाटर का लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये वायु ये हव ये जल ये जो समुद्र के जो जल होते हैं ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं, ठीक है। अब साइक्लोन में आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बीच में, जैसे कि इस इमेज में आप देखते हैं साइक्लोन के बीच में ये जो एक सेंटर पार्ट होता है, ये जो सेंटर पार्ट होता है ये उसका केंद्र होता है, जिसको हम लोग आँख भी बोलते हैं, जिसको हम लोग साइक्लोन की आँख बोलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही लो प्रेशर वाला जोन रहता है, ये लो प्रेशर वाला जोन रहता है, ठीक है, यानी कि यहाँ गर्म हवाएं ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये आँख का निर्माण कर देती है, यानी कि इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा सा छेद जैसा दिखने को मिलता है। और इसके अगल बगल मतलब इसके चारों तरफ जो ठंडी हवाएं हैं इसके चारों तरफ आने लगती है और ये इसी के चारों तरफ घूमने लगती है और ये भवंडर का रूप धारण कर लेती है और ये भवंडर के रूप में इस तरह से ऊपर की ओर चली जाती है। अब आप लोग ने ये तो समझ लिया कि जो साइक्लोन होती है उसके जो बीच में जो आँख होती है वो किस कारण बनती है। अब उसके बगल में जो ये भवंडर सा इस तरह से जो उठता है, जो ऊपर की ओर चला जाता है,
ठीक है, वो भवंडर के जैसा जो इस तरह से उठता है और ऊपर की ओर चला जाता है, वो भवंडर आखिर बनता कैसे, मतलब उसके चारों तरफ इस तरह से हवाएं घूमने कैसे लगती है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारी पूरी पृथ्वी है, हमारी पूरी पृथ्वी जो है उनको हम इक्वेटर से दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी इक्वेटर से मतलब दो रेखाएं जाती है, जो कि एक मकर रेखा होती है और एक ऊपर वाली कर्क रेखा होती है, यानी कि ये कर्क रेखा होती है और नीचे वाली मकर रेखा, ठीक है। अब इस बीच वाले मतलब इस बीच वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ये जो क्षेत्र हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिएगा, जो ज़्यादातर साइक्लोन्स होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों पे बहुत ही भयानक रूप से आते हैं, ठीक है। अब जो हम बोल रहे थे कि जो उस साइक्लोन के जो चारों तरफ वो जो हवाएं घूमती है वो बनती कैसे हैं, ठीक है, तो वो समझिएगा वो बनती कैसे है। क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध से बहने वाली जो हवाएं हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध से बहने वाली जो हवाएं हैं वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ठीक है, वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी साइक्लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो क्या होते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो भवंडर का जो दिशा होता है वो क्लॉकवाइज होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली जितने भी हवाएं हैं वो क्या होती है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि जो ठंडी हवाएं हैं मतलब कि जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या होती है कि ऊपर से आते हुए वो बाईं की ओर मुड़ जाती है, और जो गर्म हवाएं हैं जो ऊपर की ओर जाती है, जो गर्म हवाएं हैं वो जो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर जाती है, उसके स्थान पर ये ठंडी हवाएं ले लेती है, ठीक है, और वो उसके चार तरफ घूमने लगती है। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, ये जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं ये डायरेक्ट आके पड़ती है, यहाँ पर ये सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट आके पड़ती है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए यहाँ पे समुद्रों पर, यहाँ के समुद्री की सतहों पर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर एयर बन जाता है, ठीक है, ठीक है, और वो उसके चारों तरफ इस तरह से घूमने लगती है। अब देखिए जो पृथ्वी भी है, वो भी अपने दिस अपनी जगह पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या है, वो अपनी जगह पर चारों तरफ घूमती है। अब ये हवाएं जो अपने बाएं ओर मुड़ती है और पृथ्वी के जो इस घूमने की जो शक्ति होती है, इसके कारण क्या होता है कि उसके चारों तरफ मतलब उस भवंडर के चारों तरफ एक चक्रवात बन जाता है, उस भवंडर के चारों तरफ इस तरह से चक्रवात बन जाता है, जैसे कि एक वीडियो से आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है, ये जो बीच में है ये उसकी आँख है, ये उसकी आँख है, मतलब ये उसका केंद्र है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ये हवाएं चारों तरफ उसके साथ साथ दिशाओं में घूम रही है, ठीक है। ये सारी क्या है, ये जो गर्म हवाएं ऊपर गई है, ठीक है, उसके जगह पे जो आने वाली ये ठंडी हवाएं हैं यही इस केंद्र के चारों तरफ ये चक्कर लगा रही है, ठीक है। इसी तरह से ये एक विकराल रूप धारण कर लेती है और एक साइक्लोन का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब देखिए साइक्लोन जो है वो समुद्र में इतनी भयानक क्यों उठती है, समुद्र में जो है वो इतनी भयानक क्यों उठती है, अब समझिए। जो समुद्र में जो होता है, जो वो भवंडर का जो रूप ले लेता है वो क्या होता है, वो इतना विकराल क्यों हो जाता है। देखिए जैसे ही सूर्य की किरण यहाँ से पड़ती है इसके तरफ, ठीक है, तो यहाँ से ये गर्म हवाएं ऊपर जाती है, ठीक है, और यहाँ से जो ठंडी हवाएं इसके चारों तरफ घूम कर ये भवंडर का जो रूप ले लेती है, ठीक है, ये धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर जाती है तो वो अपने साथ साथ कुछ वाष्प, मतलब वो वाष्प कणें भी ले जाती है, जो अपने मॉइस्ट ले जाती है वो अपने साथ कुछ मॉइस्ट को भी ऊपर ले जाती है, और ऊपर जाकर ये बादल बना देती है बहुत बड़ा। अब समुद्र में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें समुद्र की सतह पर पड़ती है तो वहाँ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये हवाएँ ऊपर की ओर जाती है और अपने साथ साथ मॉइस्ट लेते हुए जाती है, जो कि ऊपर जाकर ठंडी होकर
बादल बन जाती है। ठीक है, अब जैसे ही ये ऊपर जाती है, जब ये हवाएं ऊपर जाती है तो यहाँ की ठंडी हवाएं इसके चारों तरफ आ जाती है और ये एक बड़ा सा भवंडर का रूप ले लेती है। ठीक है, अब जो समुद्र में होता है, समुद्र में जो होता है ये भवंडर इतनी विशाल क्यों हो जाती है? विशाल इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इनको लगातार मॉइस्ट मिलता रहता है। ठीक है, लगातार इनको मॉइस्ट मिलता रहता है और मॉइस्ट के कारण ये क्या होती है, ऊपर बहुत बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और अपने साथ बहुत तेज़ तूफान और हवाओं को अपने साथ ले जा सकती है। क्योंकि समुद्र क्या होता है, समुद्र एक पूरा खुला इलाका है। ठीक है, वहाँ खुला इलाका है, उसको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती, मतलब वहाँ पर उसको कोई रोकने के लिए कोई नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई अगर ज़मीन पर अगर कभी कभी चक्रवात जो लैंड पर जो आता है वो क्या होता है, कभी पहाड़ से, कभी पर्वत से, या कभी किसी तटीय क्षेत्र से, या पेड़ से टकरा कर वो क्या होता है, अपने आप थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है। मगर जो समुद्र में जो चक्रवात बनते हैं वो क्या होते हैं, एकदम खुला उनको जगह मिल जाता है जिसके कारण वो बहुत बड़ा रूप अपना धारण कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लैंडफॉल क्या होता है। अब समझते हैं लैंडफॉल क्या होता है। लैंडफॉल क्या होता है कि जैसे जब यहाँ से साइक्लोन जो है समुद्र से होते हुए जब ये तट की ओर बढ़ता है, मतलब कि ये भूमि की ओर जब आने लगता है, तब क्या होता है, ये जैसे ही ये भूमि की तरफ टकराता है, जो ये साइक्लोन है, जैसे ये तट की ओर टकराता है तो उसको यहाँ पे मॉइस्ट मिलना कम हो जाता है, उसको यहाँ पे मॉइस्ट मिलना कम हो जाता है। जबकि ये अगर समुद्री इलाका में रहता है तो इसको बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट मिलता है और ये भवंडर बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, और जैसे ही ये धीरे 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 ये तट की ओर आता है तो इसको मॉइस्ट मिलना कम हो जाता है और ये धीरे धीरे ये अपने आप को छोटा कर लेता है और ये इसी तरह से ख़त्म हो जाता है। मगर जो इसका प्रभाव है, मतलब इसके द्वारा लाए गए तूफान है, ये जो है यहाँ पर ये बड़ी तबाही मचा के चले जाते हैं। तो यही होता है लैंडफॉल। तो इसी तरह से आप लोग ने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि क्या होता है साइक्लोन, क्या होता है लैंडफॉल। तो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और इस वीडियो पे अपना लाइक और शेयर ज़रूर करें।